सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीसी एडिटर को और नोटिफिकेशन को दबाना ना भूले। हमने फिर सुना है कि किसी इब्राहिम पर जब वक्त आया है आग में डालने का, तो उस वक्त भी तो अल्लाह की मदद आई थी। या नारकुनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम कहा गया था। जब किसी अय्यूब के जिस्म में आबले पड़कर जिस्म से पानी बहा था, सबने साथ छोड़ दिया था, तो उस वक्त अल्लाह की मदद आई थी। और किसी की ठोकर के पानी ही ने, बल्कि किसी क्या उन्हीं के ठोकर के पानी ने उनके लिए जरिया शिफा साबित हुआ था। और वो पानी पीकर नहा कर आप शिफायाब हुए थे। पहले से ज्यादा हुस्न मिला था, पहले से ज्यादा जमाल मिला था। हमने ये भी तो सुना है कि मिस्र के कैद खाने से किसी यूसुफ को निकाल करके जो है वो अल्लाह हू अकबर मिस्र का तख्त अता किया जाता है, मिस्र का ताज अता किया जाता है। ये गैबी इमदाद के वाकया न कहानी है न किस्सा है, ये ऐसे नाकाबिले तर्दीद शवायद के साथ हकायक है कि जब जब भी मुसलमान चाहे किसी शक्ल में परेशान हुआ हो, आसमान से मदद नाजिल हुई है। आज ऐसा क्यों नहीं होता? जब भी किसी माँ की गोद किसी बच्चे से सुनी सुनी होती है और उजड़ती है, तो वो माँ मिस्र मरियम की तरह आसमान की तरफ निगाह उठाकर इंतजार करती है कि ए खालिक अर्द और समा, तूने सबकी मदद की, क्या तू हमारी मदद न फरमाएगा? जब भी किसी जवान बेटे की लाश कोई बाप तड़पते हुए देखता है, तो मिस्र याकूब की उसकी आंखों में भी आंसू आते हैं और वो कहता है कि क्या मेरी अल्लाह अकबर आसमानों से मदद नाजिल न होगी? जब किसी बेटी की आबरू लुटती है, तो लोग आसमान की तरफ नजर उठाते हैं, क्या हमारी मदद न आएगी? तो फिर आज के जवानों को कभी कभी उनका अकीदा मुतजलजल होता नजर आता है कि दरअसल कहीं ये वाकयात माजल्ला गड़े हुए तो नहीं, कहीं ये महज कहानी और अफसाने तो नहीं। इस तरीके से कभी कभी ये ख्याल भी आता है, ये शैतानी वसवसा भी आता है। मगर याद रखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरा रब जिसने बद्र में मदद की, जिसने उहद में मदद की, जिसने खंदक में मदद की, जिसने कब्र में मदद की, जिसने आग में जाने वाले इब्राहिम की मदद की, जिसने बीमार होने वाले अय्यूब की मदद की, जिसने जनाब यूसुफ को मिस्र के कैद खाने से निकाल करके मिस्र के तख्त ताज अता फरमाए, अल्लाह ने उनकी भी मदद फरमाई। ये सब सच्चाई है, हकीकत है। मगर याद रखो अल्लाह की मदद यूं ही नहीं आती, अल्लाह की मदद यूं ही नहीं आती। अल्लाह की मदद जो है वो डिपेंड करती है कुछ शरायत पर, अल्लाह की मदद जो है डिपेंड करती है कुछ मामलात पर, कुछ निकात पर। कुदरत की तरफ से ऐलान होता है, अगर तुम ये करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब अगर अल्लाह की मदद चाहते हो तो आसमानों की तरफ हसरत से नजर उठाने की जरूरत नहीं है। कुरान मुकद्दस ने कंडीशन लगाई, अगर कलबा चाहते हो, अल्लाह की मदद चाहते हो, अल्लाह की नुसरत चाहते हो, अल्लाह की इमदाद चाहते हो, तो कुरान कहता है वला तहिनू वला तहसनू, घबराने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, गम करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम गलबा चाहते हो खुदा की मदद के साथ, वअंतुमुल आलून, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम ही गलबा पाओगे। बुलंदी तुम्हारा मुकद्दर है, उरूज तुम्हारा मुकद्दर है, बस कंडीशन एक है, इन कुंतुम मोमिनीन, तुम मोमिन हो जाओ। अल्लाह की मदद को अभी उतरते हुए देख सकते हो। अल्लाह की मदद के लिए, अल्लाह की मदद के लिए मोमिन होना जरूरी है। अल्लाह ने मोमिन की मदद की, अल्लाह ने कहीं भी काफिरों की मदद नहीं की, अल्लाह ने कहीं भी मुनाफिकों की मदद नहीं की, अल्लाह ने कहीं भी दीन का मजाक उड़ाने वालों की मदद नहीं की। आप देख लें, नमरूद काफिर था, इब्राहिम मोमिन थे, मदद इब्राहिम के साथ है। इसी तरीके से अबू जहल काफिर था, सिद्दीक अकबर मोमिन थे, अल्लाह की मदद अबू बकर के साथ है। इसी तरीके से अल्लाह हू अकबर फिरौन काफिर था, मूसा मोमिन
मोमिन थे और उनकी पूरी कौम जो है तो अल्लाह ने उनके लिए दरिया में रास्ते पैदा फरमा दिए। बहुत लंबी चौड़ी मैं तमहीद की तरफ जाने की बजाय अब पता चला मोमिन के लिए मदद आती है, गैर मोमिन के लिए मदद नहीं आती। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह की मदद तलब करने वालों, खुदा की इमदाद के तालिबों, क्या हम मोमिन हैं? क्या हम मोमिन हैं? क्या हम वो मोमिन हैं जिनकी मदद आए, जिन पर नारे नमरूद गुलजार हो जाए? हालांकि वो तो ऐसा मोमिन था जिसके ईमान की गवाही कुरान दे रहा। अबुल अंबिया, उनकी तरह कोई क्या मोमिन हो सकता है? लेकिन दर्जे में कहीं ना कहीं तो आपको बात करनी पड़ेगी। हम अंबिया की बराबरी की बात नहीं करते, लेकिन क्या हम मोमिन हैं? अब मोमिन किसे कहते हैं वो हम हुजूर से पूछे। मोमिन किसे कहते हैं? बड़ी माजरत के साथ, ना मेरा मनसब ये है और ना मैं आपको काफिर कहने या किसी को काफिर कहने आया, ये बात कतन नहीं, क्योंकि ना मैं मुफ्ती हूं। ये मनसब तो मुफ्ती का है कि वो किसी पर क्या फतवा लगाता अपने जौक के मुताबिक। मैं सूफी मशरब आदमी, मेरा मसलक मेरा मशरब सूफिया का है, मैं कोई मुफ्ती नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि नसीहत और वास के लिए अपने आप को भी और आपको भी हम दोनों के कटेरे में खड़े करके बात कर रहा हूं, क्या हम मोमिन हैं? अब हुजूर से पूछें, हुजूर मोमिन कौन है? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अब मोमिन को बताते मोमिन कौन है। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं, अगर आज मेरी कौम वैसी मोमिन बन जाए जिसे कुरान ने मोमिन कहा, मेरी कौम ऐसी मोमिन बन जाए जिसे हदीस ने मोमिन कहा, ऐसी मोमिन बन जाए जिसे असहाब मोमिन मानते थे, ऐसी मोमिन बन जाए जिसे अहले बैत मोमिन मानते थे, आज भी आसमान से अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह के घर में इन अल्लाह वालों के बीच में बैठ करके बोल रहा हूँ, खुदा की मदद को आसमान से उतरता हुआ न देखो तो फिर कहना ये वक्त के तागूत, ये वक्त के फिरौन तुम्हारी ठोकरों में ना जाए तो फिर कहना। बस शर्त यह है कि मोमिन बन जाओ। और मोमिन कौन होता है? मेरे आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना युकाल इन्नहु मजनून, के मोमिन की शान यह है कि जब मोमिन के इश्क़े मुस्तफा को लोग देखते हैं, जब मोमिन की मोहब्बत रसूल को देखते हैं, तो लोग इश्क़े मुस्तफा में उसको इतना गुम पाते हैं कि लोग उसको पागल कहने पे मजबूर हो जाते हैं। आका फरमाते हैं, जब तक तेरे इश्क़े रसूल को देखकर लोग तुझे पागल पागल न कहे, उस वक्त तक के तू मोमिन हो नहीं सकता। पागल न कहे, पागल न कहे, उस वक्त तक तू मोमिन हो नहीं सकता। मतलब क्या? अब थोड़ी तवज्जो कर ले, ये बेतवज्जोही भी किसी फरजानगी की अलामत है मेरे भाई, वरना बात इतनी कीमती हो रही महबूब की, जब उनका जिक्र आता है तो फरिश्ते भी अटेंशन हो जाते हैं। और मैं उनका जिक्र कर रहा हूं मेरे महबूब का, और हम लोग तवज्जो किसी और तरफ कर रहे हैं। मैं कहता हूं जब यार का जिक्र आए तो फिर आदमी की तवज्जो मलकुल मौत की तरफ भी नहीं रहती, अगर वो सच्चा आशिक रसूल हो जाए तो। आप आने जाने वालों की तरफ मेरे भाई तवज्जो कर रहे, मैं कोई गुस्से वाला आदमी नहीं हूं, मैं सूफी मशरब आदमी हूं। आप चिल्लाएंगे भी तो मैं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर याद रखना, इश्के मुस्तफा की सच्ची पहचान यह है जो उनसे प्यार करने लगता है और ख्याल यार आता है तो आदमी मलकुल मौत की तरफ भी तवज्जो नहीं करता। आप कहेंगे मीनुल कादरी कैसी बात कर रहा है, मलकुल मौत की तरफ भी तवज्जो नहीं करता। मैंने कहा बात इश्क की यही है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आसनाई शहादत मतलूबे मकसूदे मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। वो मलकुल मौत की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करता? वो मलकुल मौत की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करता? इसलिए
नहीं मिलती। मलकुल मौत की तरफ तवज्जो क्यों करे? इसीलिए आशिक यार के जलवों में घूम रहता है, उसे खबर भी नहीं होती और उसकी रूह निकलती चली जाती। अपने असल उनवान की तरफ आए। मजनू वो कि जो अपने मरकज से, अपने महबर से, अपने महबूब से कभी न हटे, कभी न हटे, उसको मजनू कहते हैं। और हुजूर फरमाते हैं कि उस वक्त तक तू मोमिन नहीं हो सकता जब तक के तेरे इश्क मुस्तफा को देखकर लोग तुझे मजनू न कहे। मतलब ये कि तुझे धुन एक सवार हो, एक धुन सवार हो, एक धुन सवार हो, और वो धुन कौन सी हो? रात हो तो आमिना के लाल का जिक्र है, दिन है आमिना के लाल का जिक्र है, सुबह है आमिना के लाल का जिक्र है, शाम है आमिना के लाल का जिक्र है। लोग काबा देखकर इब्राहिम को याद करते हैं। काबा देखकर तुझे इब्राहिम नहीं बल्कि अपना महबूब ही याद आना चाहिए। लोग जमजम को देखकर इस्माइल को याद करते हैं। जमजम देखकर तुझे इस्माइल नहीं बल्कि महबूब ही याद आना चाहिए। लोग जन्नत का जिक्र करते हैं, तू कहे कि मैं जन्नत को लेकर करूं क्या, मुझे तो महबूब चाहिए। महबूब महबूब महबूब, खुशी हो तो महबूब, गम हो तो महबूब, बेटे की शादी हो तो महबूब, किसी की शहादत हो तो महबूब, बस महबूब के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता। ये है पागलपन। जिसे लोग ऐब समझते हैं वो दीवानगी है। आप पागल का मतलब कोई दूसरा मत लेना मेरे भाई। दीवाना दीवाने को दीवाना ना समझो। दीवाना बहुत सोच के, बहुत सोच के, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाना बहुत, अब आपको बताऊं, महबूब महबूब महबूब, अब आप कहेंगे ऐसा आशिक बनेंगे तब मदद आएगी। मैंने कहा सोचेगा तो मदद आएगी, आसमान की तरफ देखने की जरूरत नहीं, सोचेगा तो मदद आएगी। कहा बदर में आई थी, मैंने कहा सब ऐसे ही थे, देख ले बद्र में सिद्दीक को देख, उमर इब्ने खत्ताब को देख, बद्र में मौला अली को देख, बद्र में हमजा को देख, साद को देख, सईद को देख, तलहा को देख, जुबैर को देख, अब बताओ उनकी दीवानगी। मुनाफिक उनको दीवाना नहीं, उससे भी नीचे गिरा हुआ लफ्ज कहते थे। कुरान कहता है, तवज्जे करें, वईजा कील लहुम आमिनू कमा आमना नास। तवज्जो है आपकी, ध्यान है आपका, कुरान की बात कर रहा हूं। वईजा कील लहुम आमिनू कमा आमना नास कालू अनोमिनू, कालू अनोमिनू कमा आमना सुफहा। अल्लाह फरमाता है अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यालमून। अल्लाह फरमा रहा है, और जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ, ईमान लाओ किससे? जो रसूलुल्लाह के हाथ में मुसलमान हो गए थे, हुजूर के हाथ पे। कौन लोग? अब्दुल्ला इब्ने उबई और उसकी पार्टी के लोग। तो अल्लाह उनसे, कलमा पढ़ने वालों से, अल्लाह फरमा रहा है कील लहुम आमिनू, उनसे कहा जाता ईमान लाओ। या अल्लाह वो कलमा पढ़ चुके थे, अब कैसा ईमान लाए? तो कहा कमा आमना नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए। और ये जो अन्नास की अलीफ है, ये खास करती है तबके सहाबा को। अब इसका तर्जुमा ये होगा, उन मुनाफिकों को कहा जाता है कि ईमान लाओ ऐसे जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए, जैसे अबू बकर ईमान लाए, जैसे उमर ईमान लाए, जैसे उस्मान ईमान लाए, जैसे अली ईमान लाए, जैसे साद ईमान लाए, जैसे सईद ईमान लाए। आप कहेंगे इनके तरह ईमान लाओ, तो इनके ईमान में क्या था? अब्दुल्ला इब्ने उबई भी नमाज पढ़ता था, सिद्दीक अकबर भी पढ़ते थे,
दोनों के ईमान में फर्क क्या था? तो फर्क ये था, अब्दुल्ला इब्ने उबई सिर्फ नमाजी था और वो भी दिखावे का, लेकिन अबू बकर नामे मोहम्मद पे अंगूठा भी चूम लेते थे। ये फर्क था। फर्क समझ में आता है? मुनीरुल ऐन का हवाला दे रहा हूं आपके सामने, वो सिद्दीक अंगूठा चूमते थे नामे मोहम्मद पर, अली हुजूर के थूक को जमीन पे गिरने नहीं देते थे, उठाकर अपने मुंह पे मलते थे। जिस अली को करम अल्लाह वजहुल करीम लोग कहते हैं, वो अली अपने चेहरे को जगमगाने के लिए कोई गाज़े हुस्न नहीं मलते थे, आज की तरह कोई फेस वॉश वहां नहीं था। अली ने जो चेहरा चमकाया था वो लुआबे मुस्तफा लेकर अपने मुंह पे मल के चमकाया था। हुजूर अलैहिस्सलाम गुसल कर, हुजूर अलैहिस्सलाम वुजू करते थे तो सहाबा वुजू के पानी को मुंह पे लेते थे, सीने पे मलते थे। तो मुनाफिकीन कहते थे ये तो सफी लोग हैं, ये लोग बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ। अरे कोई इंसान भी किसी इंसान का थूक अपने मुंह पे लगाता है? कोई इंसान भी किसी इंसान का वुजू का पानी अपने चेहरे पे मलता है? ये तो पाल, ये बेवकूफ लोग हैं। सफी का मतलब होता है बेवकूफ, और उसकी जमा सुफहा है। तो अल्लाह फरमाता है ईमान लाओ मेरे महबूब के सहाबा की तरह। तो वो मुनाफिकीन क्या जवाब देते थे? कमा मन सुफहा, क्या हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लाए, इन पागलों की तरह ईमान लाए? अल्लाह ने जवाब दिया अला इन्नहुम सुफहा, बल्कि वो पागल और बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ तो तुम लोग हो, इसलिए कि तुम खुदा का सजदा मजबूरी में करते हो, लेकिन मेरे महबूब से प्यार कब करते हो? प्यार करने वाले तो ये लोग हैं जो नबी के वुजू का पानी अपने चेहरे पे मलते हैं, अपने सीने पे मलते हैं, अपनी आंखों से लगाते हैं। रसूलुल्लाह के लिए अपने बाप को किसी ने छोड़ा, अपने भाई को किसी ने छोड़ा, अपने खानदान को किसी ने छोड़ा, ये वो लोग हैं। तो उनका ईमान मेयार ईमान करार दिया गया, उनका ईमान ईमान की कबूलियत की जान करार दिया गया। अब पता चला कि हर वक्त में सच्चे ईमान वालों को किसी ने बेवकूफ कहा, किसी ने पागल कहा, तो एक धुन सवार होनी चाहिए हुजूर की। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अल्लाह की मदद के मुतलाशियों, क्या हुजूर की धुन हम पर ऐसी सवार है, क्या ऐसी सवार है कि लोग हमें पागल कहें? नहीं नहीं, बल्कि हमें तो हुजूर 24-24 घंटे तक कभी याद भी नहीं आते, कभी याद भी नहीं आते, बल्कि 24 घंटे तो मैं कह रहा हूं कई कई दिन तक हुजूर हमें याद नहीं आते। आप कहते नहीं नहीं अमीनुल कादरी हम हुजूर को याद करते हैं, तो एक सवाल मेरा है कब हुजूर को याद करते हो? जब हजाम की कुर्सी पर बैठकर अपने चेहरे से दाढ़ी मुंडाकर नबी की सुन्नत को गटर में फेंकवाते हो तब तुम्हें हुजूर याद आते हैं? जब तुम सूद के धंधे करके हराम लुकमा अपने पेट में डालते हो तब तुम्हें हुजूर याद आते हैं? जब तुम किसी लड़की के गले में हाथ डालकर सिना के लिए उसको किसी पार्क की तरफ फुसला कर ले जाते हो तब तुम्हें हुजूर याद आते हैं? जब तुम अपने घरों की शादियों में डीजे बजाते हो तब तुम्हें हुजूर याद आते हैं? मुझे बताओ हुजूर हमें कब याद आते हैं, और हुजूर से हमारा रिश्ता रह क्या गया है? सिर्फ जलसों के अंदर बड़ी माजरत के साथ अगर दुरूद पढ़ने को कहा जाए, दुरूद पढ़ने को कहा जाए, ये कौम जोर से दुरूद नहीं पढ़ सकती? जो कौम अपने नबी के नाम पर ये छटाक भर की जबान को हरकत न दे सके, जुम्बिश न दे सके, वो कौम नबी के नाम पे अपनी गर्दन क्या कटा सकेगी? वो कौम अल्लाह अकबर जो फजर की नमाज में 10 मिनट की नींद अपने नबी के नाम पे कुर्बान न कर सके, वो कौम अपने नबी के नाम पे अपना घर क्या लुटाएगी? लोग अच्छी तरह जान चुके हैं कि हमारे पास कुछ नहीं रह गया। इकबाल कहते हैं बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। जब तक मुसलमान मुसलमान था किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि तुम्हारे घर की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। जब तक मुसलमान मुसलमान था किसी मां ने दूध नहीं पिलाया था कि कोई तुम्हारी आंख में आंख मिला सके। लेकिन जब से मुसलमान रस्मी और इस्मी मुसलमान हो गया, जब से तुमने अल्लाह के घर को वीरान किया, अब तुम्हारे घरों को बिल्डोजर वीरान कर रहे हैं। मैं उनके साथ नहीं जो जुल्म कर रहे हैं, वो जल्द अपना अंजाम देखेंगे। लेकिन आज तुम्हारे घर उजड़ रहे हैं, तुम्हारे दिल को कितनी तकलीफ
तकलीफ है। जिस रसूलुल्लाह ने अपना घर उजाड़ के अल्लाह का घर बसाना चाहा था, सदियों से उस अल्लाह के घर को वीरान किया। ईशा में कितने पहुंचते हो, फजर में कितने पहुंचते हो, जोहर में कितने पहुंचते हो, जो काम खुदा के घर को सदियों से वीरान कर दे, और जुमा की दो रकअत के अलावा जो कौम मस्जिद में हाजिर ना हो, बताओ वो कौम इज्जत की सांस कैसे ले सकती है, वो कौम वकार की सांस कैसे ले सकती है।